Hello students, now today we start our P5 means poem number 5, A Legend of the Northland. Now this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. So before start reading of this poem, I tell you one thing, that this one is a ballad. So what is ballad? A ballad is a song narrating a story in short stanza. Ballad एक ऐसा song होता है जिसमें एक story को एक कहानी को छोटे छोटे stanzas में describe किया जाता है. Ballads are a part of folk culture और popular culture and are passed on orally from one generation to the next generation. तो ballad एक part होता है एक folk culture का, लोक संस्कृति का, जिसमें वो पॉपुलर है, जो पास्ड होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ओरली. नाउ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड. सो दिस पोयम इज अ बैलेड. सो ऑल ऑफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ बैलेड, कि बैलेड इज अ पोयम, इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजास. नाउ आई स्टार्ट रीडिंग दिस पोयम. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. In first paragraph, in first stanza, the poet tells us that in Northland, ki Northland mein jo bahut dur hai Northland, wahan par din ke ghante jo hote hain wo bahut kam hote hain. और जो रातें होती हैं, नाइट्स होती हैं, विंटर की सर्दी की जो रातें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, जिसमें पूरी तरह से सो भी नहीं सकता आदमी, इतनी ज़्यादा लंबी रातें होती हैं. सेकेंड, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. नाउ इन दिस पैराग्राफ Poet tells that यहाँ पर जो बर्फ पड़ती है उसमें तेज रफ्तार से, बर्फ में आप सबको मालूम है रेनडियर्स जो हैं वो चलते हैं, तो उसमें तेज चलने वाले रेनडियर्स को बिना पहियों की गाड़ी में जोता जाता है. और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने अजीब गरीब फर वाले कपड़े पहनते हैं और उसमें भालू के जैसे बच्चे दिखने लगते हैं. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू. And yet you may learn a lesson if I tell that the tale to you. Now in this paragraph, अब बोल रहे हैं कि एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं जिस पर मैं विश्वास नहीं करता कि वह सच होगी, परंतु फिर भी अगर तुम्हें वह कहानी सुनाऊं तो तुम्हें उससे कुछ शिक्षा मिलेगी. You have learned something. Fourth, once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know, in fourth paragraph it tells us ki ek bar ek sant peter rehte hain, jab wo niche dharti par rehte the to wo updesh dete hue ghoom rahe the, jaisa ki aap sab jante ho ki wah aisa hi karte the. Now fifth, he came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Here, in this paragraph, अब दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, वो करते हुए वो एक छोटे से कॉटेज में पहुंचते हैं उसके दरवाजे पर, और वहां पहुंचकर वहां पे एक छोटी सी औरत रहती है, वो केक बनाती रहती है अपनी अंगीठी पे. Here, hearth means अंगीठी पर सेक रही थी. Next paragraph, and being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. In this passage, अब जो दिन था वो लगभग खत्म हो रहा था और वह पूरा दिन फास्ट थे, व्रत के कारण उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, तो वो बेहोश से हो रहे थे. तो उन्होंने उस औरत से पूछा कि क्या वो अपने केक के ढेर में से एक केक उनको देगी क्या. Next, so she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब यहाँ पर उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया उस औरत ने,
लेकिन जब वो पक रहा था तो उसने देखा और सोचा कि ये देने के लिए ये बहुत बड़ा केक लग रहा है। देयर फोर शी नेडेड अनदर एंड स्टिल अ सिमिलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। अब क्या हुआ कि उसने, जब उसको ऐसा लगा कि अरे इसको देने के लिए ये केक थोड़ा बड़ा है, तो उसने उसके लिए फिर से एक बार आटा गूंथा और उससे पहले से भी एक छोटा सा केक बनाया। पर जब उसने उसको पलटा तो वो क्या देखती है कि वो पहले के केक जैसा ही बड़ा दिख रहा है। देन शी टुक अ टाइनी स्कार्प ऑफ डाव एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट। ना अब उसने जो गुथा हुआ आटे में से एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको बेल बेल कर इतना चपटा कर दिया कि कागज की तरह वो पतला हो गया। अब उसे पकाया, परंतु अब उसे भी देने को उसका मन नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा मेरे केक जब मैं उन्हें खाती हूं तो इतने छोटे लगते हैं, परंतु देने के लिए तो ये बहुत बड़े लगते हैं। अतः उसने उसे भी शेल्फ पर रख दिया, उसे भी नहीं दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वॉर्म। तब सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह बहुत भूखे थे और बेहोश से हो रहे थे, और उन्होंने बोले निश्चय ही एक औरत जो है वो संत को भड़काने के लिए काफी है। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम कितनी स्वार्थी हो कि तुम ह्यूमन लाइफ तुमको मिली है उसमें उसके उसमें रहने योग्य नहीं हो तुम। तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, भोजन है, घर है और आँच भी है, मतलब ठंड में सेकने के लिए तुम्हारे पास आँच भी है, लेकिन तुम इन सब के लायक नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब उन्होंने सेंट को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि अब तुम पक्षियों की तरह घर बनाओगी और अपना बहुत थोड़ा सा भोजन दिन भर सख्त सूखी लकड़ी में से छेद कर करके निकालोगी। तब वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई और चिमनी के ऊपर चली गई, और चिमनी के ऊपर से एक कठफोड़वा मींस फुड पैकर उड़ता हुआ आया, क्योंकि अब वह औरत जो थी वो एक पक्षी में जो थी कन्वर्ट हो गई थी। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। अब उसके सिर पर एक गहरे लाल रंग की एक टोपी थी, वह वैसी की वैसी रही, पर उसके बाकी के जो कपड़े थे वो आग की लपटों में जलकर कोयले के जैसे काले हो गए। जैसा आपने देखा होगा वुड पैकर जो होता है उस वो काले रंग का एक छोटा सा लंबी चोंच वाला और रेड कलर की उसकी कलगी होती है, ऐसा एक पक्षी होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। नाउ तो अब हर एक गांव के स्कूल जाने वाले लड़कों ने उसे जंगल में देखा है, जहां वह आज भी पेड़ों पर रहती है और खाने के लिए पेड़ों की लकड़ी में सुराख कर करके और खाने को ढूंढती रहती है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी लेडी, एक जो लालची औरत थी उसकी कहानी है, जो एक सॉन्ग के रूप में पोएट पोवी क्राय ने लिखी है। So students, your homework is to read this poem and try to understand it.